पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी धुंध के जेर असर। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पर शोरकोट से फैसलाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M5 पर शेरशाह से जाहिर पीर और रहीम यार खान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। सवात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में मामूलात जिंदगी भी मुतासर। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में पत्ते शो कर दिए। हनीफ अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, फैसल इकबाल, खुरम दस्तगीर को कौमी असम्बली का टिकट मिल गया। राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली, राना तनवीर हुसैन, बरजीत ताहिर, सायरा अफजल तारड़ भी उम्मीदवार नामजद। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज को NA 104 फैसलाबाद से नून लीग का टिकट मिल गया। दानियाल अजीज और उनकी अहलिया को टिकट जारी नहीं किया गया। दोनों का आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नवाज शरीफ की जेर क्यादत नून लीग की इंतखाबी मुहिम 15 जनवरी को शुरू होगी। सिंध में 5 जमाती इत्तेहाद मुत्तफिक का उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक। कराची में मुस्लिम लीग नून, MQM, JUI, GDA और ANP का मुश्तरका इजलास। सिंध भर की तमाम कौमी और सूबाई नशस्तों पर मुश्तरका उम्मीदवारों पर हतमी मुशावरत की गई। मामला तय होने पर नून लीग और JUI आज उम्मीदवारों को टिकट जारी करेंगे। GDA भी मुशावरत के बाद उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। MQM कराची में 5 कौमी और 10 सूबाई नशस्तों से दस्तबरदार। मीरपुर खास, सखर, नवाबशाह की सूबाई नशस्तों पर MQM और कौमी नशस्तों पर इत्तेहादी जमातें उम्मीदवार नामजद करेगी। कराची की 15 नशस्तों पर नून लीग, ANP, JUI और GDA के उम्मीदवार होंगे। कराची की कौमी असम्बली के 18 हलकों में MQM उम्मीदवारों का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार 2-2 हलकों से किस्मत आजमाएंगे। खालिद मकबूल सदीकी, अमीनुल हक, रऊफ सदीकी, अरशद वोहरा को टिकट जारी। आसिया इसहाक, अबू बकर सादिक इफ्तखार, हुमायूं उस्मान भी उम्मीदवार। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। दो रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और निशान के केस का फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दरुस्त तस्लीम होने से बैरिस्टर गोहर की चेयरमैनशिप भी बहाल। हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI का सर्टिफिकेट जारी करने का भी हुक्म। बैरिस्टर गौहर का पार्टी टिकट्स का ऐलान आज करने का ऐलान। कहते हैं कि बल्ला पाकिस्तानी कौम की उमंगों का तर्जुमान है। अदालती फैसले से आवाम और जमहूरियत की जीत हुई। बानी PTI की अपील मुस्तरद, इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिली। लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। ट्रिब्यूनल के जस्टिस अब्दुल अजीज ने बानी PTI की अपील मुस्तरद की। करार दिया कि बानी PTI तोशाखाना केस में करप्ट प्रैक्टिस के मुजरिम करार दिए जा चुके। बानी PTI की सजा 3 साल थी, 5 साल के लिए नाअहल हुए। बानी PTI के वकील का कागजात मुस्तरद करने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। दूसरी जानब परवेज इलाही की 4 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें भी खारिज। ट्रिब्यूनल ने मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद होने का फैसला भी बरकरार रखा है। PTI के बेशतर उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने के लिए अपीलें मंजूर। यास्मीन राशिद और महमूद और रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। आलमगीर खान, अवाब अलवी, खुरम शेर जमान और मुजम्मिल असलम के कागजात भी क्लियर करा दिए गए। जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद चीमा की अपीलें भी मंजूर। कमल शोजेब, सुमेरा समी, कयूम आजम, अजमल हनीफ, अख्तर कांजू के कागजात क्लियर। शेर अफजल, असद कैसर, शहरियार आफरीदी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। तैमूर झगड़ा, शानदाना गुलजार और मेहर अब्दुल सतार की अपीलें मंजूर। निसार जट के कागजात मुस्तरद। अक्रम साही और ख्याल कास्त्रो के मंजूर। शाह महमूद और हमाद अजहर के कागजात मुस्तरद करने के फैसले चैलेंज कर दिए गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुना दिया। मरियम नवाज के NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील मुस्तरद। PTI उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने मरियम नवाज के खिलाफ अपील दायर की थी।
एन ए 127 में नून लीग का राज नजर आया, ना पीटीआई दिखाई दी। बिलाल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले पीपल्स पार्टी इंतखाबी मैदान में उतर चुकी, लाहौर में डट कर मुकाबला करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर में कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात। मुल्की मईशत की बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के सनअतकारों और ताजिर रहनुमाओं के सामने अपना मुआशी प्लान रख दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल की अफादियत और मनसूबों से आगाह किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कहते हैं कि इलेक्शन में आजमूदा पार्टीज की कामयाबी अवाम की नाकामी होगी। साबिक हुक्मरान पार्टियों ने सियासत को शतरंज का खेल बना दिया। सोशल मीडिया ने हुक्मरानों के चेहरों से निकाब उतार दिए। कौम 8 फरवरी को स्टेटस को के खात्मे के लिए वोट देगी। कराची समेत सिंध भर में 5 जमाती अलायंस ने पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली है। मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम, जेयूआई, जीडीए और एएनपी ने शहर कायद और सूबे भर में तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों पर मुतफिका उम्मीदवार लाने का फैसला किया है। कराची से वकास बाकर की रिपोर्ट देखिए। कराची समेत पूरे सिंध का इंतखाबी मैदान सर करने का आजम। 5 जमातों का इंतखाबी अलायंस अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया। किसको कौन सा महाज दें, कौन कहां से उम्मीदवार बनेगा। मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम, जेशुआई, जीडीए और एएनपी ने टेबल टॉक मुकम्मल कर ली। 5 जमाती इतिहाद की मुश्तरका बैठक हुई, जिसमें सिंध भर की तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों पर मुतफिका उम्मीदवार लाने पर इतफाक कर लिया गया। एमक्यूएम कराची में 10 सूबाई नशिस्तों से दस्तबरदार। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें इतिहादी जमातों को देने पर भी मुतहदा राजी हो गई। मीरपुर खास, सखर, नवाब शाह की सूबाई नशिस्तों पर एमक्यूएम, कौमी नशिस्तों पर इत्तेहादी जमातें उम्मीदवार नामजद करेंगी। कराची की 15 नशिस्तों पर नून लीग, एएनपी और जेयूआई के उम्मीदवार खड़े होंगे। कराची में 1 सूबाई नशिस्त पर जीडीए अपना उम्मीदवार नामजद करेगी। एमक्यूएम ने कराची के कौमी असेंबली के 18 हल्कों में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मुस्तफा कमाल एन ए 242 और 247 से मुतहदा के उम्मीदवार, फारूक सत्तार एन ए 241 और 244 से नामजद, एन ए 232 में आसिया इसहाक, एन ए 233 में जावेद हनीफ, एन ए 234 से अबूबक और एन ए 235 से इकबाल महसूद को एमक्यूएम पाकिस्तान का टिकट मिलेगा। एन ए 236 में हसान साबिर, एन ए 237 में रऊफ सिद्दीकी, एन ए 238 में सादिक इफ्तिखार और एन ए 240 में अर्शिद वहरा उम्मीदवार होंगे। एन ए 243 से हमायूं उस्मान, 245 से हफीजुद्दीन, एन ए 246 से अमीनुल हक नामजद, एन ए 248 में खालिद मकबूल सिद्दीकी, एन ए 249 में अहमद सलीम सिद्दीकी और एन ए 250 में फरहान चिश्ती पतंग के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में उतरेंगे।